जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कितने तरह का होता है। दूसरा एक खास बात आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि आपका इंश्योरेंस कहां कहां हुआ रहता है, आपको पता भी नहीं रहता है। आपके बहुत सारी दिनचर्या के चीज़ें में इंश्योरेंस इंक्लूड रहता है जो आपको पता नहीं है। उसी इंश्योरेंस को कोई एजेंट आपको समझा देता है, वही इंश्योरेंस दोबारा आप करा लेते हैं पैसे देकर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह इंश्योरेंस मिल रहा है जो आपको पता नहीं है। मैं सारी जानकारी आपको दूंगा और सारी बातें आपको बताऊंगा आज। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि बिना पैसा का आपको लगभग 10-15 जगह आपका इंश्योरेंस हुआ रहता है जो आपको मालूम नहीं है। उसका उपयोग आप कर सकते हैं, घर में बताकर रख सकते हैं कि उसका उपयोग मेरे न रहने के बाद आप कर सकते हैं, पैसा आपको मिल जाएगा। बहुत मोटा मोटा बहुत अच्छा अच्छा रकम मिल जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ लोग नहीं उठा पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे नया सब्सक्राइबर है मतलब कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। तो इंश्योरेंस खास तौर पर 4 प्रकार का होता है, खास तौर पर जिन्हें मेन कहा जाता है, मुख्य इंश्योरेंस कहा जाता है, 4 प्रकार का होता है। एक आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस होता है। पहले सुन लीजिए लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जैसे LIC का बीमा लेते हैं, बजाज एलियांज का बीमा लेते हैं, बिरला सन लाइफ का बीमा लेते हैं, मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का बीमा लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको 6 महीना या 1 साल पर या 3 महीने पर, जिसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कहा जाता है, प्रीमियम भरते हैं, जो 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, पैसा जमा करते हैं, पैसा पूरा होने पर आपको मिल जाता है, चाहे आप जीवित रहते हैं तो भी, जीवित ना रहते हैं तो भी, मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो वो पैसा आपको मिल जाता है। अगर बीच में आपको कुछ हो जाता है, आप नहीं रहते हैं, तो भी आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। इसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, जहां समय समय पर पैसा हमें देना है, चाहे वो 3 महीना में हो, 6 महीना में हो, 1 साल में, तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जीवन बीमा कहते हैं। दूसरा क्या हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किसे कहते हैं, जहां पर एक मुश्त प्रीमियम आप देते हैं। जैसे कि हम साल का किसी भी कंपनी को, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को जो हेल्थ इंश्योरेंस करती है, जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी बता दूं आपको, श्रीराम हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, HDFC का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ICICI बैंक का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बहुत सारे बैंक भी हेल्थ इंश्योरेंस करती है। तो होता क्या है कि आप उसे एक मुश्त, जैसे साल में आप उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं, और उसमें आपको कवर करता है कि आपका फैमिली का हम कवर कर रहे हैं, मतलब आपका, आपकी पत्नी को, आपको दोनों बच्चा को कवर कर रहे हैं, कि इस 1 साल के बीच में आपका जो भी बीमारी पे खर्चा होगा, ऑपरेशन पे खर्चा होगा, मतलब स्वास्थ्य पे खर्चा होगा, उस पर टर्म कंडीशन भी होता है, वो आपको देखना पड़ता है कि किस किस बीमारी के लिए पैसा दे रहे हैं ये, तो वो जो इलाज का टोटल खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, जितना का आपका बीमा रहता है। जैसे 10,000 रुपया साल का ले रहा है, बोल दिया कि 1 करोड़ रुपया तक का आपका जो भी खर्च बीमारी पर आएगा हम करेंगे, या फिर 50 लाख तक का हम करेंगे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हो सकता है 10 लाख का ही हो सकता है 15 लाख का ही हो, वो प्रीमियम पर निर्भर करता है कि 10,000 पे कितना है, 20,000 पे कितना है, 30,000 पे कितना है। तो वो साल में एक बार जमा करते हैं, अगर साल में अगर बीमारी नहीं हुआ, किसी प्रकार का स्वास्थ्य खराब किसी का नहीं हुआ, आपके परिवार में जितने लोगों को इंक्लूड किया गया या आपका पर्सनल है तो नहीं हुआ, तो वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है, वो पैसा खत्म हो जाता है, वो पैसा कंपनी मेंटेनेंस में रख लेती है, फिर दोबारा आप कराते हैं तो दोबारा आपको पैसा लगता है। ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा मैं आपको बता दूं, तीसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस होता है, तो आमतौर पर आप देखते होंगे जैसे बाइक का इंश्योरेंस हो गया, कार का इंश्योरेंस हो गया, किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, किसी मकान का इंश्योरेंस हो गया, किसी दुकान का इंश्योरेंस हो गया, इन सभी को जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है कि एक मुश्त आपको पैसा देना होता है। आपने देखा होगा, आप गाड़ी जब खरीदते हैं या फिर गाड़ी का हर साल इंश्योरेंस खत्म हो जाता होगा, आप कराते ही होंगे, बाइक होगा, कार होगा, नहीं भी होगा तो जान लीजिए कोई गाड़ी हो तो उसका जो कराते हैं, तो एक बार आपको पैसा लिया जाता है जो 1 साल के लिए इंश्योरेंस होता है। चाहे बाइक का हो तो 2,000, 3,000, 4,000 लगता है, अगर कार है तो आपको 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया लगता है, जैसी कार है, जैसी कीमत है, उस हिसाब का इंश्योरेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह का इंश्योरेंस होता है, एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे कम पैसा लगता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पे ज्यादा पैसा लगता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस समझ लीजिए, उसमें क्या होता है कि गाड़ी जो चला रहा है, जिसकी गाड़ी है उसका भी इंश्योरेंस रहता है, और रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है और उसको उस गाड़ी से ठोकर लग जाता है तो उसका भी क्लेम मिलता है, उसको भी क्लेम मिलता है, उसका भी इंश्योरेंस इसमें रहता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो उसे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब दोनों का इंश्योरेंस रहता है, आपका भी
और आप उस गाड़ी से चल रहे हैं, किसी को ठोकर लग गया, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा इसी इंश्योरेंस कंपनी से। वो कोर्ट से भी ले सकता है लड़के, किसी भी हालात में उसको भी क्लेम मिलेगा अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस किया हुआ है जनरल इंश्योरेंस में। तो दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो भले पैसा कम लगता है, पैसा उसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में जितना पैसा लगता है उसका 60-70% ही आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में पैसा लगता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं, किसी को ठोकर लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्लेम मिलेगा, उसको क्लेम मिलेगा। लेकिन आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट होकर, तो ना आपको गाड़ी को क्लेम मिलेगा ना आपको क्लेम मिलेगा। तो ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये दोनों जनरल इंश्योरेंस में आता है, इसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। जो सामान मकान दुकान का होता है, गाड़ी का होता है, उसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, ये समझ लीजिए। अब आगे आपको बताता हूँ क्या चीज़ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम उससे कहते हैं जो किसी चीज़ पे मिलता है। जैसे आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है बहुत कम कीमत में होता है, आपको 5,000 2,000 200 400 500 रुपया देकर, इतना हल्का हल्का प्रीमियम देकर आप अच्छा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तभी आपको कुछ मिलता है, मतलब दुर्घटना से। एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होता है तो प्रीमियम आपको नहीं मिलता है वापस, या फिर कोई भी किसी प्रकार का मैच्योरिटी आपको उसमें नहीं मिलता है। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आमतौर पर लोग कराते नहीं है, कंपनियां देती है, जहां आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी देगी आपको, या फिर बहुत सारी कंपनियां देती है। अब मैंने जिक्र किया था, तो चार इंश्योरेंस आप समझ लिया किस प्रकार का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब आते हैं, मैंने आपको बताया कि आपका इंश्योरेंस बहुत जगह हो रखा है, आपको पता भी नहीं है। तो अब समझ लीजिए, हर व्यक्ति का हर जगह इंश्योरेंस है, लोगों को पता नहीं है, लोग उसी इंश्योरेंस को पैसा देकर करा लेते हैं, नहीं भी करा सकते। अगर जानकारी है तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। अब जानिए आपका इंश्योरेंस कहाँ चल रहा है। देखिए, आपके पास ATM कार्ड होगा, आप बैंक में अकाउंट खुलवा रखे होंगे। अभी हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता है, और बैंक में अकाउंट होता है तो ATM कार्ड भी रखते हैं। तो ATM कार्ड किसी भी बैंक का हो, चाहे वो सरकारी बैंक का हो, प्राइवेट बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस का ATM कार्ड हो, किसी भी बैंक का ATM कार्ड आपके पास है, तो आप जान लीजिए कि 2,00,000 से 5,00,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ATM कार्ड पर रहता है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, और जिन्हें मालूम है वो भी इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनके घर में उनके नॉमिनी को ये चीज़ मालूम नहीं रहता है कुछ हो जाने पर। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके पास रुपए का ATM कार्ड होगा, देखेंगे ATM कार्ड जो रहता है तो उस पर लिखा रहता है रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इस तरह का कार्ड होता है। तो रुपए कार्ड भी है तो आपका 2,00,000 रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। अगर वीजा कार्ड है तो 5,00,000 रुपया तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। अगर मास्टर कार्ड है, क्लासिक कार्ड है, या फिर आपका प्लेटिनम कार्ड है, तो इन सभी पर 5,00,000 रुपया तक का इंश्योरेंस रहता है, मतलब 2,00,000 से 5,00,000 रुपया तक का इंश्योरेंस रहता है। आपके पास ATM कार्ड है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका दुर्घटना हो गया और आपकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, कहीं हादसे में मृत्यु हो जाती है, किसी तूफान में मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी भी एक्सीडेंटल अगर उनकी मौत हो जाती है, तो उस पर बैंक में क्लेम करके उसका नॉमिनी ATM कार्ड के आधार पर 2,00,000 से 5,00,000 रुपया का क्लेम कर सकता है, उससे मिलता ही है। आपको बता दूं, ये क्लेम करना बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, ये बैंक में क्लेम किया जाता है। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप बैंकिंग लोकपाल में भी इसका शिकायत कर सकते हैं, IRDA में भी शिकायत कर सकते हैं इसका। बस इसमें शर्त यही है कि जो ATM कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं महीने में एक बार यूज हुआ होना चाहिए, जैसे कि उससे आपने पैसा निकाला हो, या फिर कहीं पैसा ट्रांसफ़र किया हो, या फिर आपका फोन पे, पेटीएम, UPI जो भी होता है, चाहे गूगल पे, कुछ भी, वो ATM कार्ड के नंबर से ही लिंकेड होता है। तो आप पेटीएम से भी, कहीं पे फोन से भी, UPI से कहीं भी यूज करके ट्रांसफ़र की है तो भी आपका वैलिड रहता है। इसके अलावा है, मतलब उस कार्ड को कहीं भी शॉपिंग आपने किया हो, किसी भी प्रकार का यूज उस कार्ड का होना चाहिए, एक महीने में एक बार भी, तभी उस पर इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। नहीं तो अगर यूज नहीं कर रहा है, मालिक कोई आदमी खाता खोला लिया और ATM कार्ड ले रखा है, उसका यूज नहीं कर रहा है, तो फिर वो इंश्योरेंस मान्य नहीं होता है। तो टर्म कंडीशन भी जान लीजिए, अगर एक महीने के अंदर एक बार भी आपने उसको यूज किया है कहीं भी, तो फिर आप किसी भी प्रकार का कुछ होने पर डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं और बैंक इसे देने से मना नहीं कर सकती है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर, जो गैस का कनेक्शन लेते हैं, गैस सिलेंडर सभी के घर में होता है, हर व्यक्ति के घर में अभी गैस सिलेंडर होता है, चाहे किसी भी योजना से लिया गया हो, चाहे सरकारी योजना से लिया हो आपने, चाहे पैसे देकर आपने कनेक्शन लिया हो, तो उस कनेक्शन पर आपको बता दूं 40-50 लाख का इंश्योरेंस रहता है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, कुछ लोगों को मालूम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे, अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं है। अब कैसे मिलता है क्लेम, मैं आपको बता देता हूं कि गैस सिलेंडर जो घर आपके लेकर आते हैं उसी दिन आपका इंश्योरेंस वो हो जाता है। अब वो गैस सिलेंडर अगर फट जाता है आपके घर में, उस हादसे में आपके घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, चाहे आपके फैमिली मेंबर होना चाहिए, सिर्फ फैमिली मेंबर होना चाहिए, उस गैस से किसी का भी
मृत्यु हो जाती है आपके घर में, ये नहीं कि खाना बना रहा है उसी का, किसी का भी हादसे में आपके घर में मृत्यु हो जाती है, तो गैस कंपनी को जो भी हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे वो भारत गैस हो, कोई भी कंपनी हो, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी हो, वो 40 से 50 लाख रुपया का इंश्योरेंस उस पर किया रहता है। आपको बता दूं, आप इसमें क्लेम कैसे लेंगे, ये भी फिर सवाल उठ जाएगा। तो अगर ऐसे हादसे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ नहीं करना होता है, पहले जाकर FIR कराना होता है। कहीं भी नज़दीकी पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में जाकर आपको FIR कराना हो, हादसा होगा तो पुलिस आएगी ही, तो FIR होगा, उसमें सारा मामला लिखा रहता है कि किस कारण से कैसे हुआ है, सारा आप लिखाएंगे, रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो उसी के आधार पर आप क्लेम करेंगे कहाँ, गैस कंपनी में, जहाँ से आपने सिलेंडर लिया, एजेंसी में करेंगे। एजेंसी वाले जोनल ऑफिस में फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ से क्लेम पास होकर, इसमें ज़्यादा भी समय नहीं लगता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या फिर FIR है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR के आधार पर और कुछ गवाहों के आधार पर, हादसा होता है तो आसपास के लोग जुटते ही हैं, उसके आधार पर बहुत जल्दी क्लेम मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1 महीने से 3 महीने के अंदर में ये क्लेम मिल जाता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट किसी भी हालात में आपको क्लेम दिलाती है। कोर्ट के लिए आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं, जहाँ नाम मात्र का पैसा लगता है, न के बराबर पैसा लगता है, और ऐसे मामलों में तो कोई पैसा लगता ही नहीं है, तो वहाँ से जाकर आप क्लेम करके कर सकते हैं, ये जानकारी रहना चाहिए। तीसरा बता देता हूँ कि एक चीज़ और मालूम नहीं होगा कि रोड पर आप चल रहे हैं, आपको किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस आपने नहीं करा रखा है, तो भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका रहता है। फ्री इंश्योरेंस इतने तरह का रहता है, ATM कार्ड पर इंश्योरेंस है आपका, गैस सिलेंडर पर इंश्योरेंस है आपका, आपको पता नहीं है। इसके अलावा आपको बता दो कि आपको ऐसे भी इंश्योरेंस रहता है जो आपको पता नहीं, जैसे रोड पर चल रहा है, कोई गाड़ी आकर ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई, तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो अभी सभी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है। अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो भी क्लेम मिलेगा उसके नॉमिनी को, अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो भी क्लेम मिलेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होता ही है रोड पर चलने वालों के लिए, गाड़ी मालिक के लिए वो नहीं होता है। तो किसी भी हालात में गाड़ी का इंश्योरेंस रहता ही है, बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी चल नहीं सकती है, तो एक्सीडेंट होता है तो क्लेम करने पर आपको बता दूं 5 लाख रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया से ऊपर तक का क्लेम मिलता है। इसमें वो देखा जाता है कि आप काम क्या करते हैं, आपकी स्थिति कैसी है, आपका जॉब कैसा था, आपकी सैलरी कैसी थी, आपका एक्सीडेंट हुआ तो वहीं पे मृत्यु हो गई, या फिर वो व्यक्ति हॉस्पिटल में गया और वहां पे इलाजरत होकर मृत्यु हुआ तो भी सारा खर्च, उसके बाद मुआवजा, बहुत सारी चीजें, उसके परिवार का मुआवजा, सब कुछ देना पड़ता है कंपनी को। तो इंश्योरेंस ये रहता है, मिलेगा ही मिलेगा। अब बता दूं, किसी का सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो, ठोक के चला गया तो मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए भी बता दूं आपको, आप कोर्ट जाते हैं तो जो वाहन मालिक होता है, जो गाड़ी मालिक होता है, वो क्लेम देता है किसी भी हालात में, वो तो और बुरे तरीके से फंस जाता है, क्योंकि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस उसका फेल है, अगर उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर किसी भी हालात में, और भी जल्दी जजमेंट होता है, किसी भी हालात में उस पर जुर्माना भी होगा, मुआवजा भी देना होगा, और वो बंदा जेल भी जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे जगहों पर आपका इंश्योरेंस रहता है जो आपको पता नहीं रहता है, आम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। इसके अलावा 3-4 चीज़ मैं शॉर्ट में बोल के निकलता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि और भी कहाँ कहाँ इंश्योरेंस है। अब देखिए, जनधन खाता है आपका, वहाँ इंश्योरेंस है आपको 2 लाख तक का, और ई श्रम कार्ड आपने बनवा रखा है, ई श्रम कार्ड अभी जो बन रहा था, जो लेबरों के लिए होता है, मजदूरों के लिए होता है, उसमें भी 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। आप एक्सीडेंट हो गए, जैसे कि कहीं काम कर रहे हैं, साइट पर से गिर गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके नॉमिनी को मिलेगा। इसके अलावा जनधन खाता में मैंने आपको बता ही दिया, तो ई श्रम कार्ड हो गया, जनधन खाता हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे कार्ड है जहाँ पे इंश्योरेंस है और लोगों को खुद पता नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप इंश्योरेंस आपको अलग से पैसे देकर कहीं कराना है, नहीं भी कराना है तो आपको ये जानकारी रखना है कि आपका इंश्योरेंस यहाँ यहाँ है, आपको घर पे बता के रखना है, लोगों को जागरूक करके रखना है कि ऐसे ऐसा इंश्योरेंस रहता है, अगर कुछ हो जाता है तो आप वहाँ से क्लेम ले सकते हैं। जागरूकता बहुत जरूरी है, मेरा वीडियो ही होता है जागरूक करने के लिए। मैं सिर्फ किसी प्लान को नहीं बताता हूँ, किसी स्कीम को नहीं बताता हूँ, सिर्फ फायदे को नहीं बताता हूँ, सिर्फ नुकसान को नहीं बताता हूँ, मैं जागरूक करता हूँ ताकि आम लोग जागरूक हो और हर चीज़ का उसको लाभ मिले, सरकार द्वारा या फिर किसी कंपनी द्वारा या IRDA द्वारा या फिर RBI द्वारा, जो भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं हर जगह जहाँ जहाँ उनका इंश्योरेंस है, कहाँ कहाँ पैसा मिल सकता है। क्योंकि आम मिडिल क्लास में होता क्या है कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, बाल बच्चा बिखर जाता है, पत्नी बिखर जाता है, कोई कमाने वाला नहीं रहता है, इकलौता बंदा कमाने वाला रहता है, खुदा न करे कुछ हो जाता है, भगवान न करे कुछ हो जाता है तो उसका घर पूरा बर्बाद हो जाता है। आर्थिक स्थिति तो क्या कहना भाई, आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, मैंने प्रैक्टिकली बहुत लोगों को देखा है और आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे जिसके घर का परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है, और क्या क्या दर्द से, क्या क्या दुख से, क्या क्या मुसीबत से उसे गुजरना पड़ता है वो आप जानते ही होंगे, या फिर आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते होंगे जो इस दर्द से, दुख से, मुसीबत से गुजर रहे होंगे। तो ये सब नॉलेज रहना
जरूरी है। तो दोस्तों ये सब जानकारी जो है बहुत खास जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसमें लगता हो कुछ और छूट गया हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ मैं भूल गया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। जवाब नहीं दे पाया तो उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बना दूंगा एक विस्तार के साथ। मैंने तो आपको बार बार कहा, कहता भी हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात रखेंगे। इससे क्या होता है कि जवाब नहीं दे पाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, सबको जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। कमेंट पढ़ता हूँ, उसमें से देखता हूँ और एक एक करके सभी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, जैसे ये भी वीडियो किसी न किसी के टॉपिक पर ही था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।